मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश में 6 जनवरी में को 1033 संक्रमित मरीज मिलने के बाद एक बार फिर से 7 जनवरी को 1617 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 4191 हो गया है। प्रदेश में तेजी से बड़े केसों की वजह से पॉजिटिविटी रेट 1% के पार पहुंच गई, तो वहीं इंदौर में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.4% हो गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल प्रदेश में 7 जनवरी को 1617 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसकी वजह से आर्थिक राजधानी इंदौर में 584 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है, जहां 24 घंटे में 286 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्वालियर, जबलपुर सहित रतलाम में भी तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो 24 घंटों में 246 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके लिए 5936 टेस्ट किए गए थे, तो वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.46% हो गया है, जबकि एक्टिव केस 637 पर पहुंच गया है। इधर आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना का महाविस्फोट देखने को मिला है। एक बार फिर से बीते 24 घंटों में 584 नए मरीज सामने आए हैं, और इससे पहले 6 जनवरी को 512 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। इंदौर में संक्रमण दर 6.44% पर पहुंच गया है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1716 हो गई है। हालांकि बीते 24 घंटों में 138 मिनट स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं। इधर जबलपुर में 92 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। सागर में 38 नए मामले सामने आए हैं। होशंगाबाद में 4, छिंदवाड़ा में 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। ग्वालियर जिलों में 142 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ग्वालियर में एक्टिव केस बढ़कर 303 पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन धारा 144 के साथ प्रतिबंधनात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इससे पहले 6 जनवरी को ग्वालियर में 88, जबलपुर में 70, उज्जैन में 35, विदिशा में 15, रतलाम में 14, शहडोल में 13, बैतूल से सागर 10 और खंडवा में 10 मरीजों की पुष्टि हुई थी। तो वहीं मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 45 जिलों में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। हालांकि राहत की बात तो यह है कि कोई भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई। जारी आंकड़ों के आंकलन से पहले लहर में 21 दिन में 1000 केस देखने को मिले, जबकि दूसरी लहर के बीच 17 दिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई थी। तीसरी लहर में महज 10 दिनों में नए केस 1000 के पार पहुंच गए हैं। हालांकि राहत की बात तो यह रही कि नए संक्रमित के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज है। इधर मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे केस के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मरीजों की अनुमानित संख्या के लिहाज से बिस्तर की तैयारी कर ली है, हॉस्पिटल में व्यवस्था है, पर्याप्त ऑक्सीजन की क्षमता भी सुनिश्चित कर ली गई है। अच्छी बात यह है कि बीमारी गंभीर नहीं हो रही है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बेहद ही कम है। संक्रमित मरीजों के लक्षण भी कम देखने को मिल रहे हैं, मरीज जल्दी स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की जनता से खुद को सावधान रखने और कोरोना गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट न्यूज।